खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा कसरावत तहसील के भ्रमण पर रहे। भ्रमण की शुरुआत उन्होंने छोटी कसरावत के माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने से की। कलेक्टर ने बच्चों से कहा, गणित एक चमत्कार के जैसा है, इसको रटने से नहीं समझने से चमत्कार नजर आता। वहीं स्कूल में उपस्थिति पंजी देखी, जिसमें एक शिक्षक बिना आवेदन के अनुपस्थित पाए जाने पर अध्यापक को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कसरावत भ्रमण के दौरान कलेक्टर वर्मा ने नगर परिषद का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने लेखा और राजस्व शाखाओं में पहुंचकर विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया। लेखा शाखा में नीरज यादव ने विभिन्न करों के बारे में बताया। कलेक्टर वर्मा ने सीएमओ संतोष चौहान को नगर में कर एकत्रित कर नागरिकों को सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की इनकम बढ़ाने से ही व्यवस्थाएं सुधरेगी। उपयंत्री से कंपाउंडेबल मकानों की जानकारी लेते हुए कहा कि भवनों की परमिशन चेक करें और बिना अनापत्ति के मकानों का निर्माण न हो, इसका ध्यान रखें। राजस्व शाखा में विज्ञापन दर एकत्रित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कसरावत एसडीएम अग्रिम कुमार और तहसीलदार रमेश सिसोदिया उपस्थित थे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। किसी चीज तैयारी करना होता है सिलेबस की बात करें तो पहले सिलेबस छोटा सिलेबस है, हर टॉपिक दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। होल टू पार्ट, जैसे कि हमने क्या किया, पहले होल को आसान के दिमाग में सेट किया कि तैयारी कर रीडेवलप करा दिया। आपने ये पूरा ले रहे हैं, ये पूरा ले रहे हैं, अच्छा लगता है। देखा था, नहीं पूछ रहा हूँ क्या अच्छा लगता है उसमें। बाकी बात की और संभाग के जिलों में जाओ तो आपको 52 जिले भी याद नहीं होंगे। ये इसको बोलते हैं कि लर्निंग प्रोसेस। एक होता आगे क्या करोगे, आगे कौन सा क्षेत्र में जाओगे, राजनीति के में गवर्नमेंट का नहीं चल रहा है चल रहा है जरा हड्डियां में जल बोला, भाई बोला और बोलो, ये दिमाग खुलता है, सब आ गए। तो अब जैसे हम एमपी की बात करें, एमपी की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं ना, मात्र लाइब्रेरी है कसरावत की और काफी प्रयास किए तो आज विशेष दौरा था, क्या था सर आज? मैं खुद ही, मेरा सबसे प्रिय यदि कोई चीज़ है तो शिक्षा है। और अभी मैं छोटी कसरावत के स्कूल में भी गया था और मैंने क्लास शायद 6 या 8 के बच्चे थे, उनसे जब बात किया तो वो जो चीज़ पढ़ रहे थे, पढ़ कर के वो समझा कैसे, वो बच्चों में अभी कमी है। अभी मैं यहाँ लाइब्रेरी में आया, ये भी यहाँ पर इनसे ही बात कर रहा था। मैंने बच्चों से पूछा था कि आपको कौन सा पढ़ा सुना दूँ, मैंने कहा मुझे 40 पढ़े याद हैं, तो बच्चों ने मुझसे कहा था 37 पढ़ा, तो मैंने 37 पढ़ा उनको बोल के बताया था। और ये मुझे 37 का पाड़ा 1980 से याद है, आश्चर्य होगा जी। ना ना ना, आईएएस सभी आईएएस से पूछ रहे होंगे, नहीं आएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट की चीज़ है। तो शिक्षा यदि हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएं तो शिक्षा बहुत आसान भी होती है। हमारे गुरुजनों ने हमको पहले बेहतरीन पढ़ाया तो हम यहाँ पर आ गए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अच्छी शिक्षा देने वाले एक्सपर्ट्स लोग, उनके पास यदि कुछ अच्छी शिक्षा है तो बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चे कैसे आगे बढ़ें उनको गाइड करें। यहाँ पर भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा प्रयास है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी व्यवस्थाएं ज़िले में और आवश्यक हों तो हम और भी करेंगे, बच्चे आगे बढ़ें, उनको अच्छा माहौल दें, उनको गाइडेंस भी दें, इसका भी हम प्लान करेंगे। सर ये तहसील को लेकर आज कोई प्लानिंग है सर? हम लोग देखने आए हुए हैं, ये हमारा एक रीडेंस्पेक्शन प्रोजेक्ट में लिया हुआ, तो हमारे साथ में डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड भी साथ में आए हुए हैं, वो क्या ज़मीनों का अच्छा उपयोग हो सकता है उसका हमारा एक निरीक्षण भी है। शिक्षा के क्षेत्र, सर शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कुछ खबरें चलाई थी कि जिस तरीके से आप शिक्षा के मामले में काफ़ी आगे हैं, तो अभी अगर संज्ञान में तो कुछ बच्चों का कचरा बीनते हुए और इस तरीके से कचरा, इसमें बेसिकली शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है जिंदगी में कुछ है तो वो शिक्षा है। हम सभी की शासन प्रशासन अपनी ओर से जो प्रयास कर रहा है वो प्रयास पहले से अभी तक कर रहा है, लेकिन शिक्षा में इसमें समाज को भी जुड़ना होगा, समाज को समझना होगा। सरकार आपको स्कूल अच्छे बना के दे सकती है, अच्छे टीचर से दे सकती है,
पर स्कूलों में पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें हमको इन्वॉल्व होना होगा और तभी शिक्षा का स्तर सुधरने की कोशिश होगी। और सरकार की ओर से जो लगातार प्रयास हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ सुधर रही है। मैं अपील करता हूँ कि बाकी लोग भी इसमें जुड़ें और जहाँ जहाँ समस्या है उनको हल करें। निश्चित ही छोटे बच्चों को इस तरीके से देखते तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम अभी भी इस प्रयास में काफ़ी पीछे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जहाँ पर मेरा दौरा होता है, मेरा कोई सा दौरा मिस नहीं होता जिसमें मैं स्कूल में नहीं जाऊँ और मैं बच्चों से बात नहीं करूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।